ग्वालियर शहर की क्राइम ब्रांच पुलिस के साथ पांच थानों की पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और उसका प्रदर्शन करने वाले सात लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 15 अवैध हथियार, कारतूस, नकली कबाइन और बोलेरो जीप भी बरामद की गई है। इस मामले में पांच अलग अलग थाने में मुकदमे दर्ज किए गए। आरोपियों में दो आरोपी भिंड, दो मुरैना, एक श्योपुर और दो ग्वालियर के रहने वाले बताए गए हैं। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर में अवैध हथियारों की खरीदी और उनके प्रदर्शन को लेकर कुछ युवक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है। सूचना पर शहर के विभिन्न थानों की पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर एक गोपनीय और सघन अभियान चलाया, जिसमें मुरार पुलिस ने एक आरोपी को पकड़कर उसके कब्जे से 315 बोर का कट्टा और 3 जिंदा राउंड बरामद किए हैं। ऑलरेडी ये नोटिस में चीज आ चुकी है और इसमें क्राइम ब्रांच को लगाया गया था। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर सी एमएस सांगी सर ने इसको सीरियसली गंभीरता से लेते हुए जो छिटपुट जो घटनाएं हुई हैं हवाई फायर की, उनको गंभीरता से लेते हुए ये टीमें बनाई गई थी और इसको क्राइम ब्रांच ने दूसरे थानों के साथ, संबंधित थानों के साथ मिलकर इसमें कार्रवाई की है। काफ़ी बड़ी कार्रवाई है, 15 वेपन्स पकड़े गए हैं। इसमें लगातार कार्रवाई चलेगी और अवैध हथियार शस्त्र रखने वाले एवं अवैध हथियारों का प्रदर्शन करने वाले सोशल मीडिया पर, उनको किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।